हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम भीष्म पंचक व्रत या पंच भीखु व्रत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। देखो, कार्तिक में हमारा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाव में स्नान, पूजा पाठ, व्रत आदि करने का नियम होता है, पर बहुत से साधक किसी भी कारण से पूरा कार्तिक के स्नान नियम नहीं निभा पाते। इसके लिए कान्हा जी ने उन्हें कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत यह पंच भीखु व्रत का विधान बताया है। जो पूरा कार्तिक स्नान नियम करते हैं वो भी भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं, ये बहुत ही फलकारी और पुण्यदायी होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है। भीष्म पंचक को पंच भीखु के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसीलिए ये भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक एकादशी के दिन पाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प करके भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धारा निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा था, आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्ध दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। अब आपको इस व्रत का विधान और नियम बताती हूँ। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीप कर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक संयम और सात्विकता का पालन करना होता है। यज्ञ आदि कर्म करने होते हैं। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। अब ये तो हो गया देखो विधान जो शास्त्रीय विधि का है। हर कोई इस तरह से वेदी और मंडप बनाकर पूजा नहीं कर पाता, इसलिए अगर आप चाहें तो सिंपल तरीके से घर पर ही रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छाव में स्नान करें और पूजा करें। पंच भीखु व्रत का संकल्प देव उठनी एकादशी पर लें और भगवान से प्रार्थना करते हुए करें, हे प्रभु, मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाएं। इसके बाद रोज सुबह नियम से तारों की छाव में स्नान करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडश उपचार विधि से पूजन करें। साधक अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इन 5 दिनों के लिए अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। रोज कार्तिक महत्तम सुने। अगर आपने अभी तक कार्तिक महत्तम नहीं सुना तो इन 5 दिनों में रोज 7 अध्याय सुनकर पूरे महीने का कार्तिक महत्तम सुन ले। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। पंच भीखु व्रत में रोज साहूकार की बहू की पंच भीखु व्रत की कहानी भी जरूर सुने। इस कहानी का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। देखो, वैसे भीष्म पंचक व्रत में निराहार रहने का विधान है, पर जैसा कि कलयुग है साधक 5 दिनों तक निराहार नहीं रह पाते, इसलिए एक समय फलाहार यानी कुटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। फलाहार मीठा या नमकीन कोई भी किया जा सकता है। नमक का आहार लेने वाले सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। इन 5 दिनों में अन्न का हमें त्याग करना है। इन दिनों में पंचगव्य मतलब गाय का दूध, दही, घी, गौझरण और गोबर का रस, इसके मिश्रण का सेवन बहुत लाभदायक होता है। पानी में थोड़ा सा गौझरण डालकर स्नान करें तो रोग दोष का नाश होता है, पाप नाशक माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। ब्राह्मण को जोड़े सहित जिमाएंगे, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर खाना खिलाकर दान दक्षिणा आदि देकर अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। फिर अगले दिन पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाकर उस प्रसाद को खाकर हम अपने व्रत का पारण करेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी भी आपको जल्दी ही भेज दूंगी।
अगर आपको अपने मोबाइल पर तिथि के रिमाइंडर चाहिए या जो हमारी वीडियोस होते हैं उनके रिमाइंडर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9821025751। अब हमारे पास एक प्रश्न आया था जिसमें साधक ने पूछा था, क्या पंच भिखु व्रत में वो तारा भोजन का नियम ले सकते हैं? तो देखो, ये दोनों अलग अलग व्रत होते हैं। तारा भोजन व्रत पूरे महीने का होता है। तारा भोजन व्रत में हम तारों को अर्ध देकर नॉर्मल अन्न का खाना खाते हैं, पर पंच भिखु व्रत में या भीष्म पंचक व्रत में हम शाम की पूजा के बाद फलहार लेते हैं। दोनों ही व्रत में खाना रात को ही खाया जाता है। एक और चीज याद रखना, भीष्म पंचक व्रत में ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि माँ गंगा के पुत्र भीष्म पितामह, जो पूर्व जन्म में वसु थे, अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अजन्म अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने का दृढ़ संकल्प किया था। इसी कारण से उन्होंने अपने पिता की तरफ से उनको वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का। इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन 5 दिनों में रोज भीष्म जी के लिए तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण करते हुए मंत्र बोले, सत्य व्रताय शुचाय गंगाए महात्मने भीष्म यतद ददा मय अर्धमह जन्मे ब्रह्मचारिणे। मतलब, हे अजन्म ब्रह्मचारी का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं ये अर्ध देती हूँ। इस तरह कहते हुए रोज उन्हें अर्ध दे। साथ ही रोज नियम से भागवत महापुराण या गीता का पाठ भी जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उनके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। ये व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है। जो निर्संतान दंपति होते हैं उन्हें इस व्रत को अगर वो पूरे विधान के साथ रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी अवश्य होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से हमारे सुख सम्मान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अब आपको बताती हूँ इसे भीष्म पंचक व्रत क्यों कहते हैं। देखो, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5ों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उचित अवसर देखकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये व्रत ना केवल पहले किए गए संचित पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है बल्कि कल्याणकारी भी होता है। भीष्म पंचक व्रत बहुत मंगलकारी और पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात मोक्ष तथा उत्तम गति अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए सबको कहूंगी, संकल्प के साथ भीष्म पंचक व्रत जरूर करें। इससे हमें पूरे कार्तिक स्नान का फल भी मिल जाता है। अब इसमें एक चीज और देखो, कार्तिक एकादशी अपने आप में एक महापुण्यदायी तिथि है जिसका व्रत सभी साधक करते हैं। इसी के साथ आप देखना, कार्तिक महत्तम में बताया गया है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक ये अंतिम 3 दिन बहुत पुण्यमय तिथियां हैं। इनका बड़ा विशेष प्रभाव है। इसलिए अगर कोई कार्तिक के इन अंतिम 5 दिनों में स्नान व्रत नियम का पालन करेगा तो उसे पूरे कार्तिक स्नान का फल मिल जाएगा। इन 5 दिनों में नियम से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, महाफल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी को अर्घ देने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है। जिसको स्वप्न दोष या ब्रह्मचार्य संबंधित किसी भी गंदी आदत या तकलीफ हो तो वो इन 5 दिनों में भीष्म पितामह को पूरे विधान के साथ अर्घ दे, उसे देखना बहुत बहुत लाभ मिलेगा। इस विधि को विधि पूर्वक पूर्ण करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब ये तो हो गया भीष्म पंचक व्रत। इसी में एक होता है पंच भिखु व्रत, जिसमें हम रोज साहूकार की बहू और राजा की कहानी सुनते हैं। इस व्रत में संकल्प लेते हैं, ये 5 साल तक हर कार्तिक में किया जाता है। फिर 5वें साल इस व्रत का उद्यापन होता है, पंच भिखु व्रत का।
इस व्रत के नियम में हम एकादशी और द्वादशी को व्रत करते हैं, फिर त्रयोदशी को नॉर्मल जो अन्न का खाना होता है वो खाते हैं, फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा को व्रत करते हैं और अगले दिन अपने व्रत का पारण करके व्रत को खोलते हैं। हर साल व्रत के संपन्न पर पांच चीजें ब्राह्मणी को दान की जाती है। पांच चीजें आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो। इस तरह लगातार पांच साल तक जो व्रत किया जाता है, फिर पांचवें साल ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा जमाया जाता है, उन्हें भोजन करवाया जाता है, दक्षिणा और पांच चीजें दान देकर विदा करके अपने व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई जगह ब्राह्मण के साथ सास ससुर को भी कपड़े पहनाए जाते हैं, मतलब सास ससुर को कपड़े साड़ी कुर्ता पजामा पैसे आदि देकर इस व्रत का कम्प्लीटली उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव से इन पांच दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अगर अभी भी आपके पास कोई प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।